वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शकरकंद के खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी है और आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें। आइए हम शकरकंद की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। शकरकंद की खीर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ दो स्मॉल साइज़ के शकरकंद को बॉईल कर लिया। अच्छे से मैंने इस बॉईल करके इसको इस तरह से तोड़ लिया है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके लिए हम आधा किलो दूध ले लेते हैं। हमने आधा किलो दूध चढ़ा दिया है, इसको हम बॉईल होने देते हैं। दूध बॉईल हो रहा है, हम इसे अच्छे से चम्मच से इसको इस तरह से मैश कर लेते हैं। मैश करके हमने रख लिया है, दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है इसमें, को हमने हाई कर दिया है और हम हाई फ्लेम पे अब इसमें ये मिल्क पाउडर, मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, हम इसमें ये ऐड कर देंगे और इस तरह से मिलाते रहेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से। पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, फ्लेम हमें हाई रखनी है और इस तरह से चलाते हुए अब यहाँ हमने जो शकरकंद को अच्छे से मैश करके रखा है हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मिल्क में ऐड करेंगे। हमने शकरकंद को मिक्स कर लिया है। शकरकंद की खीर बहुत ही मज़ेदार होती है और इसका टेस्ट ही अलग होता है। आप ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। हमें इसी तरह इसको बस चलाते रहना है ताकि अच्छे से शकरकंद इसमें मिक्स हो जाएं। 5 मिनट तक और हम इसी तरह हाई फ्लेम पे इसे इसी तरह कुक करते रहेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। 5 मिनट तक और हमने इसी तरह इसको कुक कर लिया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें आपके जो भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हों आप इसमें डाल दें। यहाँ मैंने काजू पिस्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार शकरकंद की खीर बनकर तैयार है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। आप इसे रूम टेम्परेचर में रखें या फ्रिज में रखकर ही खाएं और इसको आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।